Hello everyone, my name is Prachi Raghunshi, student of Sri Vaishnav Institute of Forensic Science. Here I present my topic cryptography. Contents are introduction, objectives, applications, components, terminology, aspects, type and advantages. Introduction. Cryptography is the science of information security. Cryptography is the science of writing in a secret code. Cryptography means अगर हम किसी भी टेक्स को इमेज के थ्रू छुपा रहे हैं, किसी इमेज में कुछ सीक्रेट लेटर्स जो होते हैं, माइक्रोडॉट्स. क्रिप्टोग्राफी के ऑब्जेक्टिव तीन होते हैं, जैसे फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें हम जो इमेज के थ्रू हम जिसे मैसेज सेंड कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहता है सिर्फ उसे ही समझ में आएगा, जो मतलब अननोन पर्सन नहीं पढ़ पाता है, जिसके लिए हम भेज रहे हैं ये सिर्फ वही पढ़ पा सकते. सेकेंड इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स मतलब जो सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज जाएगा उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जो एज इट इज़ मैसेज है एज इट इज़ मैसेज सेंड होगा. दी थर्ड इज ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन मीन्स जो सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज जाएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, तो उसका जो पासवर्ड है वो सिर्फ जो सेंडर और रिसीवर है उसी के पास रहेगा, इससे वो सिर्फ वो जो मैसेज है वही लोग ओपन कर सकते. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन. क्रिप्टोग्राफी के जो एप्लीकेशंस है वो इस बेस पे है, जैसे किसी को अपने मैसेज को पर्सनल रखना है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को यूज़ करते हैं. पहले इस टेक्निक को मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, फॉर सेंडिंग अ मैसेज टू दर पर्सन, एंड मतलब अब इसे बहुत सारे लोग यूज़ करने लगे अपने पर्सनल मैसेज को सेंड करने के लिए. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स आर टू, इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन. इंक्रिप्शन इज दैट कि हम हमारे मैसेज को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसे हम सिर्फ सेंड कर रहे हैं वही पढ़ पाए, मतलब ऐसे नॉर्मल से ऐसे उसमें टर्न करते हैं जो मतलब सीक्रेट टाइप होता है जो नॉर्मल लोग नहीं पढ़ पाते हैं. एंड द सेकेंड इज डिक्रिप्शन. डिक्रिप्शन में हम जो मैसेज को सेंड किया है हमारी सिक्योरिटी के लिए या मतलब पासवर्ड लैंग्वेज में, उसे जो पर्सन हमने जिसे सेंड किया है वो वापस से ओपन करेगा और उसे नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ेगा, वो होती है डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी आर क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टो एनालिसिस. फर्स्ट क्रिप्टोलॉजी इज, क्रिप्टोलॉजी में हम जो भी टर्म हम क्रिप्टोग्राफी में यूज़ करते हैं उसे हम क्रिप्टोलॉजी में कन्वर्ट करते हैं, उसे क्रिप्टोलॉजी कहते हैं. और सेकेंड इज क्रिप्टोग्राफी. क्रिप्टोग्राफी मतलब हम जो भी मैसेज किसी को सेंड कर रहे हैं तो उसे हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं सिस्टम में, जिसे हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं. एंड लास्ट इज क्रिप्टो एनालिसिस. क्रिप्टो एनालिसिस इज दैट जब हम किसी भी मैसेज को सेंड करते हैं तो जो डिस्क्रिप्ट होता है उसे हम पढ़ते हैं वापस से, तो उसे क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं. नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिप्टोलॉजी. एस्पेक्ट्स ये है, अगर हम मैसेज सेंड किया है तो जो सेंडर और रिसीवर है उन दोनों को जो कॉमन की है जिससे मैसेज अनलॉक होगा वो पता होनी चाहिए. अगर सेंडर और रिसीवर को वो कॉमन की पता नहीं होगी तो मैसेज डिकोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड द सेकेंड इज कि अगर हम दो लोगों के बीच में इस मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो वो कॉमन की से हम ओपन कर सकते हैं, अगर यही हम ग्रुप में करते हैं तो इससे जो हमें कॉमन की में मतलब दिक्कत हो जाती है, हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी. टाइप्स इज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज दैट कि हम जो इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए जो रहेगा वो सेम की का यूज़ करेंगे, तो वो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. एंड जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी उसमें हम इंक्रिप्शन के लिए भी डिफरेंट की यूज़ करेंगे और डिस्क्रिप्शन के लिए भी डिफरेंट की यूज़ करेंगे, तो दोनों में डिफरेंट की यूज़ होता है वो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. एडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी. फर्स्ट इज कि जो हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो जो पब्लिक मतलब जो हमारी मैसेज की सिक्योरिटी जो है वो बनी रहती है, वो मतलब किसी और को हमारा मैसेज पता नहीं चलेगा. एंड सेकेंड इज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इज बेस्ट सिस्ट फॉर ओपन एंड मल्टी यूज़र इन्वॉर्मेंट. और लास्ट इज की जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है वो सिंपल और फास्ट होता है यूज़ करने का. Thank you.